वीडियो में जो ट्रिक बताऊंगा उसको ट्राई जरूर करना। ट्राई किए बिना कोई कमेंट मत करना, और तरीका काम ना आया तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका काम कर गया तो शेयर सब्सक्राइब दोनों करके देना। तो गाइस जो बंदे ये बोले थे कि हमारे रील पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, हमने सारे के सारे तरीके अपना लिए, सारी वीडियोस देख ली और अपने आप कॉन्टेंट भी चेंज कर लिया, लेकिन तब भी आपकी रील पर कोई भी खास व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आज आपकी रील पर ना मैं 1,000 नहीं बल्कि 5,000 से 10,000 तक व्यूज लाने वाला हूँ। तो गाइस आपको ना सबसे पहले एक रील क्रिएट कर लेनी है इंस्टाग्राम पर जाकर के, और जैसे ही आप अपनी रील को क्रिएट कर लेते हो आपको वो सेव कर लेनी है, आपको वो अपलोड नहीं करनी है, इंस्टाग्राम पर अपलोड मत करना, आपको वो केवल सेव करके रख लेना है। अब आप ये सोचो कि भाई अपलोड कहाँ करें, बता तो रहा हूँ, थंबनेल में लिख रखा है कि विद मौज ऐप 5K+ व्यूज विद मौज ऐप। आपको वो जो रील है वो मौज पर अपलोड करनी है। मौज पर अपलोड करने के लिए क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मौज पर ना काफ़ी जल्दी मतलब वीडियो वायरल हो रही है, मैंने खुद देखा है। चाहे तो आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो मौज की, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, और अगर आपके पास मौज ऐप नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप टैप करके नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो, आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो वहाँ पर ना दोस्तों आप अपनी रील को इंस्टाग्राम से बनाओ, क्रिएट करो, उसको सेव कर लो और आप मौज पर जाके डाल दो। लेकिन यहाँ पे ना दोस्तों एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको जो मौज पर वीडियो डालनी है, अपलोड करनी है, वो कैसे करनी है जिससे कि आपकी जो वीडियो है ना वो एकदम से वायरल हो जाए और आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाए, जिससे कि आप अपनी मौज वाली ऑडियंस को अपने इंस्टाग्राम पेज पर भेज सको और वहाँ पर भी अपने रील पर व्यूज पा सको। दोस्तों जैसे ही आप मौज ऐप पे पहुँच जाओगे, मतलब अपनी प्रोफाइल पे पहुँच जाओगे, क्रिएट कर लोगे, तो यहाँ पर आपको आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक कर दोगे, और प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जाओगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये रील यहाँ पे क्रिएट कर रखी है अपनी इंस्टाग्राम से बना करके, सेव कर ली थी बहुत पहले ही। तो अब मैं नॉर्मली यहाँ पे इसको किसी को भी सिलेक्ट कर लूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे 100 तक पूरा होने दें, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड लेगा, और ये नॉर्मली पूरा हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके पूरे होने के बाद में आपका जो कैप्शन वगैरह और हैशटैग वगैरह आता है वो चीज़ होती है, तो दोस्तों वही सबसे ज़्यादा मेन है मौज ऐप में, क्योंकि उसी से आपकी जो ऑडियंस है वो इकट्ठी हो पाएगी और इंस्टाग्राम पर पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ कैप्शन वाले बॉक्स में और हैशटैग वाले बॉक्स में, तो यहाँ पे आप नॉर्मली कुछ भी कैप्शन डाल दीजिए जो भी आपका मन करे, तो मैं तो कुछ भी डाल दूंगा। फिर इसके बाद में दोस्तों आपके हैशटैग की बारी आती है, यहाँ पर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप हैशटैग वाला बटन दबाओगे ना, ये देखो इस तरीके से आप हैशटैग वाला बटन दबाओगे, तो दोस्तों नॉर्मली ये ना आपको नीचे के साइड में मतलब कि जो मौज ऐप का होता है वो नीचे के साइड में आपको काफ़ी सारे हैशटैग मेंशन कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसने मेरे को काफ़ी सारे हैशटैग मेंशन कर दिए, तो ये जो हैशटैग है ना इसमें से आपको 3 से 4 हैशटैग नॉर्मली चुन लेने हैं दोस्तों, वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी हैशटैग चुन सकते हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई आपकी पोस्ट से रिलेटेड होना चाहिए या फिर कुछ भी इस तरीके का। तो यहाँ पे आपको 5 से 6 हैशटैग नॉर्मली दोस्तों चुन लेना है, जिस तरीके मैं चुन रहा हूँ यहाँ पे हैशटैग लगा लगा करके, और जो इसके मेंशन के खुद के हैशटैग है। तो जब आप दोस्तों 5 से 6 हैशटैग यहाँ पे चुन लोगे, इसके बाद में आपको 3 हैशटैग अपनी तरफ से लगाने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको ये जो 3 हैशटैग है ये अपनी हर पोस्ट में लगाने होंगे, लेट्स मौज, दूसरा मौज, फिर इसके बाद में दोस्तों आपका आता है फॉर यू। तो ये आपको नॉर्मली 3 हैशटैग अपने हर पोस्ट में लगाने हैं दोस्तों। ये तरीका है आपका मौज पे वीडियो डालने का, जिससे कि आपकी जो व्यूज़ है और आपकी जो ऑडियंस वगैरह आपकी जो वीड है वो जल्दी से वायरल हो जाए, और यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली आपको ये पोस्ट कर देना है। ये देखो दोस्तों मैंने पोस्ट कर दिया है, और यहाँ पर मेरी जो वीडियो है वो डल भी चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो 0 व्यूज़ है। और इसके अलावा अगर मैं आपको प्रूफ दिखाने लगूँ मेरी वीडियोज़ पर, तो यहाँ पे आप नॉर्मली देख सकते हो दोस्तों 3.7K, 1.7K, 5.5K, और यहाँ पे 6.3K, 3.5K, यहाँ पे देखो दोस्तों मतलब कितने ज़्यादा मात्रा में व्यूज़ मेरे जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको फॉलोअर दिखाऊँ तो 3.8K मेरे फॉलोअर हैं, और अभी मैं आपको यहाँ पे एनालिटिकल्स भी दिखाने वाला हूँ, जो मौज का मेरा एनालिटिकल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों टोटल मेरा एनालिटिकल 35K व्यूज़ हैं, 1.6K मेरे लाइक हैं, 39 शेयर हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम लास्ट वीक 152.63% मतलब ग्रोथ हुई है। और इसके अलावा दोस्तों आप 7 डेज़ का मेरा फॉलोअर्स का हिसाब देख सकते हो, 397 मैंने फॉलोअर किए हैं फ्रॉम लास्ट वीक। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी मात्रा में मेरे फॉलोअर यहाँ पे आ रहे हैं,
और अगर मैं आपको लाइक दिखाने लगूँ दोस्तों, यहाँ पे लाइक भी आप देख सकते हो, तो गाइस 908 मोब लाइक या हैं, व्यूज नहीं कर रहे हो 11 तो शेयर हैं, यहाँ पे गाइस देख मैं सकते हो सोच ही रहा 85 आया था लाइक कुछ हैं और यहाँ पे 202 तो तो यार इस तरीके से टाइम दोस्तों मैनेजमेंट। आप अपनी रील को इंस्टाग्राम से नॉर्मली क्रिएट करो, उसको सेव करो और मौज ऐप पर डाल दो। और अगर दोस्तों आप रील क्रिएट नहीं कर सकते तो दोस्तों आप नॉर्मली मौज यार ऐप मुझे में नया सा एक लग चीज रहा और है कर कि सकते हो, एक दूसरा तरीका और है आपके यहाँ पे व्यूज बढ़ाने का। आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो ये मौज के जितने भी फिल्टर्स वगैरह है ना, लेंस वगैरह है, यहाँ पर आप इनसे रिलेटेड कोई भी अपनी वीडियोस बना सकते हो। जिस तरीके में यहाँ पे ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये कैसे इतने इफेक्ट वगैरह हैं, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम में भी देखा है, इंस्टाग्राम भी आए दिन नए नए इफेक्ट डालता रहता है, नए नए लेंस निकालता रहता है वहाँ पे। तो इनमें आप नॉर्मली वीडियो को क्रिएट कर सकते हो यहीं से, मतलब कि मौज ऐप से ही, और मौज ऐप से यहाँ पे इसको डायरेक्टली डाल सकते हो। और गाइस जब आपको काफी दिन हो जाएंगे मौज पर वीडियोस डालते डालते और आपकी जो ऑडियंस है मौज वाली ऑडियंस, मैंने कि मौज के फॉलोअर आपके काफी मात्रा में हो जाएंगे, 10 के, 20 के, 50 के या फिर 100 के, तो दोस्तों आप वहाँ पे अपनी ऑडियंस को बोल सकते हो वीडियोस में कि भाई मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बना ली है और वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप अपनी मौज प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पर शेयर कर देना, जिससे कि वहाँ पे जो ऑडियंस आए वो आपके इंस्टाग्राम पेज पर भी चले जाने वाला है। आपकी मौज की जितनी भी ऑडियंस इकट्ठी हो जाएगी, जितनी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम पर चली जाएगी और वहाँ पर जो भी आप अपनी फोटो या फिर अपनी रील डालोगे वो उसको वायरल कर देगी और इस तरीके से आपके रील पर व्यूज़ आ जाएंगे।